नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया ओरिजिन चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं SSB इंटरव्यू द कंप्लीट गाइड बाय एन.के. नटराजन। तो देखते हैं इस बुक के अंदर का कंटेंट क्या है। सबसे पहले तो इस बुक में इंट्रोडक्शन दिया गया है कि SSB क्या है, फिर कैंडिडेट्स में क्या देखा जाता है, PIQ फॉर्म के बारे में है, और पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट भी है जो आपका SSB के बाद होता है फॉर एयरफोर्स कैंडिडेट्स। एंड उसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको क्या क्या होगा उसके ऊपर है, फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट, फिर ग्रुप टेस्टिंग, इंटरव्यू, फिर कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, और उसके बाद सर्विस रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी है जो आपको इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेंगी। तो देखते हैं कि अंदर कैसे एक्सप्लेन किया है। तो ये Part 1 इंट्रोडक्शन टू SSB, इसमें आपको बेसिक, सबसे पहले बेसिक एक ऑफिसर्स में करियर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, पे वे, और कौन सी एंट्रीज हैं जिसके थ्रू आप SSB दे सकते हैं। फिर आगे मूव करते हैं, तो ये पूरा एक प्रोसीजर शॉर्ट फॉर्म में बताया गया है स्टार्टिंग के इंट्रो पेज में। लेट्स मूव। एंड ये पेज में आपको बताया गया है कि कैंडिडेट्स में क्या दिखा जाता है, और इसमें सारी ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी लिखी गई हैं, जो 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी हैं। PIQ फॉर्म जो आपको इंटरव्यू से पहले फिल कराया जाता है उसके डिटेल्स हैं। तो और ये एयरफोर्स कैंडिडेट्स के लिए PABT टेस्ट जो SSB के बाद कंडक्ट होता है, और ये आपका जो रीजनिंग के कुछ टेस्ट होते हैं जो 20-30 मार्क के स्क्रीनिंग प्रोसेस में, उसके कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल आपको दिए गए हैं। और ये PPDT है, PPDT में पिक्चर्स दिए गए हैं, और उसके बाद एक स्टोरी एग्जांपल के लिए फॉर्म करके बताई गई है कि कितने कैरेक्टर्स हैं उससे रिलेटेड, और आपको कैसे फिल ऐसे कैसे स्टोरी लिखनी है अपने स्क्रीनिंग में, ये इसको देख के आपको अच्छा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। सो लेट्स मूव। एंड ये साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में हमको सबसे मालूम है, हमको मालूम है कि टैट, वैट, SRT और बाकी सारे टेस्ट होते हैं, तो उससे रिलेटेड एग्जांपल्स दिए गए हैं, और आपको कैसे अपनी स्टोरीज फॉर्म करनी है, वर्ड्स कैसे लिखने हैं, उससे रिलेटेड भी एक ब्रीफ है। इसका GTO पार्ट सबसे बेस्ट लगा मुझे इस बुक का, जो बाकी बुक से बेस्ट है। इसमें अच्छे खासे एग्जांपल्स हैं, एक GPE ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, इसमें पिक्चर और फिर नरेशन कैसे करना है, और आपके जो बल्ला उसके होते हैं उनके अच्छे से पिक्चर्स शो किए गए हैं ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए। और ये फिजिकल एक्सरसाइजेस जो आपके 10 आपको ऑब्स्टेकल्स पार करने रहते हैं इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल रेस में, वो है। तो और देखते हैं, इंटरव्यू से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन है कि आपको इंटरव्यू में कैसे कंडक्ट रखना है अपना, और इंटरव्यू से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जा सकते हैं। एक बेसिक एक फॉर्मेट होता है जो असेसर्स यूज करते हैं, उसका ही एग्जांपल दिए गए हैं। ये जो एनके नटराजन है वो खुद SSB में GTO ऑफिसर रह चुके हैं, तो उनका उन्होंने जो लिखा है वैसा ही कंडक्ट किया जाता है लगभग। और ये रहा आगे का जो सर्विस रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि कितने कमांड्स हैं और उनके हेडक्वार्टर किधर हैं, और फिर फॉर्मेशन जो मिलिट्री में यूज की जाती है, जैसे कोई डिवीजन होते हैं, ब्रिगेड होते हैं, बटालियन होते हैं, प्लटून, कंपनी, और इनको कौन हेड करता है। और उसके बाद हमारे इन्फेंट्री रेजिमेंट्स होते हैं, जाट, सिख, गोरखा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, और फिर रैंक, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट जनरल, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, और किस किस को परमवीर चक्र मिले हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। मेजर शैतान सिंह, जैसे आपको मालूम ही होगा, जो 1962 की वॉर में लद्दाख में पोस्टेड थे, और भी बहुत सारे वीर जवानों का है। और फिर इंडिया में कौन से वेपन्स का यूज किया जाता है, आर्टिलरी में कौन सा है, एंटी टैंक मिसाइल्स और दूसरे टाइप के मिसाइल्स, टैंक्स, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। और इंडियन आर्मी ने जो ऑपरेशंस कंडक्ट किए हैं, इंडियन नेवी में जो बड़े बड़े ऑपरेशंस, एयरफोर्स और नेवल कैंडिडेट्स के लिए भी इसमें है, और जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो आज कंडीशंस है, मतलब इंडो पाकिस्तान रिलेशन, फिर कश्मीर डिस्प्यूट, जूनागढ़ आपको मालूम है कि पार्टीशन के टाइम पे डिस्प्यूट था, और फिर हैदराबाद का भी था, 1971 की वॉर हुई थी बांग्लादेश के साथ जिसमें हम लोग ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, और फिर कश्मीर में इंसर्जेंसी जो 1991 के बाद स्टार्ट हुई थी,
बस ये एक बुक का आउटलुक है, और भी बहुत सारे हमारे दूसरे नेबरिंग कंट्रीज के साथ क्या रिलेशन है जो आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, और वर्ल्ड की मेजर ऑर्गेनाइजेशन से WTO इसका क्या रोल रहता है, और थोड़े बहुत चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन से SAARC जिसमें इंडिया एक पार्टी, इंडिया भी एक पार्ट है। तो यही है, इस बुक का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बुक टोटल 334 पेजेस की है, एक शॉर्ट क्रिस्प बुक है जिससे आपको SSB से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो डू यूज दिस बुक बिफोर योर SSB इंटरव्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।